देख रहे हैं सच दर्शन। उत्तर प्रदेश में जीएसटी लगने के बाद से ही साड़ी उद्योग बुनकरों की बदहाली और जीएसटी के पेंच के जाल में उलझा हुआ है, जिसका निराकरण बुनकरों को नहीं मिल पा रहा। हालांकि इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यहां के बुनकरों में अशिक्षा है, जिसकी वजह से बुनकर जीएसटी के जाल को नहीं समझ पा रहे। जमाऊ जिले में लाखों की संख्या में छोटे बड़े बुनकरों का कुनबा रहता है, जिनमें परिवार के मुखिया से लेकर बीवी बच्चे सभी बुनकरी का काम करते हैं। ऐसे में हमने बुनकर नेता अरशद जमाल से बुनकरों की परेशानियों को जानने की कोशिश की। मऊ की तरह का मझोला जो कारोबारी है कपड़े का, तो वो पूरे देश में जब से बहुत ही आधुनिकीकरण की व्यवस्था हो गई है, तब से इस प्रकार के कारोबारी छड़ने चल रहे हैं, जिसमें करोड़ों की संख्या में पूरे देश भर में लोग काम कर रहे हैं और करोड़ों परिवार इससे पल रहे हैं। मगर जैसे जैसे आधुनिकीकरण का काम आ रहा है, जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां आगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे छोटे कारोबारी धीरे धीरे कमजोर होते चले जा रहे हैं। और इसी कमजोरी में सरकार को चाहिए कि इन छोटे कारोबारियों को कोई नीति बनाकर ऊपर उठाने के बजाय सरकार ने इनको खत्म करने का ही एक पूरा प्लान जीएसटी की सूरत में है। और जो छोटे कारोबारी हैं, इनका काम करने का तरीका अलग है। अलग अलग घरों में दो दो चार चार लोगों की यूनिट है जो काम करती है और अपने हाथों से सारा काम करती है। कोई इनके पास ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं, ऑटोमेटिक लूम नहीं, वो हैंड लूम ही इनका है जो पावर से चलता है। आप ये कह लीजिए कि उसको पावर लूम तो कहना ही गलत हो जाएगा, वो हैंड लूम है जो पावर से ही चलाते हैं। तो इसको सरकार ने जीएसटी की परिधि में ले आकर इसको समाप्त करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। आप जाइए मऊ जैसे छोटा जनपद है, मगर यहाँ 1 लाख के आसपास पावर लूम है और 5 लाख लोग सिर्फ इस जनपद में इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। जब यहाँ के बुनकरों का कारोबार चलता है तो तमाम दूसरे छोटे बड़े दूसरे कारोबार चलते हैं, वरना ये खराब होता है तो सारे कारोबार खराब। दूसरी तरफ जब हमने जीएसटी की जानकारी यहाँ के बुनकरों से लेने की कोशिश की, तो बुनकरों का यही कहना था कि सरकार ने जीएसटी को लेकर जिस तरह का जाल बुना है, उसे वो लोग नहीं समझ पा रहे। जीएसटी के पहले तो साड़ी का हाल हम लोग सिर्फ यही करते थे कि हाँ इसकी अच्छा कोई हम लोगों का काम ही नहीं है, मगर जीएसटी के बाद तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों को हर कदम पे परेशानी नजर आ रही है। इसलिए कि न कहीं से हम लोगों को ताना मिला है, न बाना मिल रहा है, न माल जा रहा है, न पैसा आ रहा है, तो सारी दुश्वारियां ही दुश्वारियां सामने खड़ी हैं। हम लोगों को लग रहा है कि अब हम लोग क्या करें, इस देश में कैसे हम लोग रह पाएंगे और क्या करेंगे, और सरकार की क्या नीति है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि नीति क्या है। लोगों को जीएसटी के बारे में पता ही नहीं है कि जीएसटी से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या कैसे मतलब ये कि कितना वो कमाएंगे और कितना वो टैक्स भरेंगे, ये स्थिति अभी सामने आ ही नहीं रही। मालूम होता कि हाँ भाई इतना इनको की आमदनी पे इतना इनको टैक्स देना है, तो आदमी अपना खुल के काम करता, और जब जो मजदूर तबका है उसको भी आसानी होती। व्यापारी हैं, व्यापारी आते, माल ले जाते, आसानी से माल जाते, वो अपने यहाँ करते। अब जो आ रहे हैं वो अपना जीएसटी नंबर दें, यहाँ जो माल जा रहा है वो अपना जीएसटी नंबर दें। और जहाँ से सवाल ये है कि साड़ी के काम से जुड़े हुए कम से कम 50 लोग उससे जुड़े रहते हैं, कोई धागा बनाता है, कोई धागा भरता है, कोई कुछ करता है, 50 आदमी मिलकर तब एक साड़ी तैयार होती है। तो अब बताइए 50 आदमी मुतासर होते हैं इससे। एक ये होता है कि जहाँ से वहाँ से धागा तैयार हुआ वहाँ टैक्स लग गया, वहाँ से आ गया, तो अब तो वो टैक्स उसी पे लगा ना, जो बाना जो धागा तैयार हुआ टैक्स तो उसी पे लगा, अब जो माल तैयार होगा उसी धागे ही से माल तैयार होगा, फिर उस पर टैक्स लगेगा, अब जो माल जाएगा फिर उस पर टैक्स लगेगा, तो टैक्स कई जगह लगेगा। ये कहीं ऐसी पूरे दुनिया में वर्ल्ड पैमाने पर कहीं ऐसी नीति नहीं है, जो जहाँ पे जीएसटी है वहाँ जीएसटी का मतलब ये है कि जीएसटी लेते हैं, टैक्स देते हैं तो टैक्स देते हैं, तो सरकार की तरफ से होती व्यवस्थाएं आवाम के लिए होती हैं, ये हमारे देश में कहाँ। बुनकरों की इसी समस्या को हल करने के लिए मऊ जिले के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में बीते दिनों एक जीएसटी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी के विशेष सचिव बनाए गए सुहास एलवाई बुनकरों की समस्या को सुलझाने के लिए जीएसटी को समझाते दिखे, लेकिन उससे भी बुनकरों की परेशानी दूर नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विजय कुमार की रिपोर्ट, सच दर्शन।